देख सकते हैं कि परिवार वालों की किस तरह से हालत है। इस समय हम आपको बता दें कि बिल्कुल जम्मू के कालूचक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा यहां पर रोड को जो है ब्लॉक किया गया है। आपको बता दें कि तीन दिन पहले आपने एक खबर देखी जिसमें ग्रेटर कैलाश में एक ज़मीन को लेकर विवाद देखने को मिला था, जिसमें दो गुटों के बीच में आपस में आपने देखा कि झगड़ा हुआ और उसी के बीच में एक युवक जो है उसमें गुजर गया। और आज देख सकते हैं कि आप परिवार वाले आगे पीछे के लोग यहां पर इस समय पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि रोड को जो है ब्लॉक किया गया है। और आप देख सकते हैं यहां पे सीआरटी के नौजवान पुलिस कर्मचारी और बड़े बड़े आला अधिकारी जो हैं इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से बाइक्स जो हैं वापस जाते हुए, और आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी सीआरटी के नौजवान और जो यहाँ पर लोकल लोग हैं यहाँ पर पहुँचे। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर अब टेंट लगाया जा रहा है, जहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं वहाँ पर इस समय टेंट को जो है इंस्टॉल कर दिया गया है। आपको बता दें कि चारों ओर से रोड को जो है इस समय ब्लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल आपको हम ये जो विजुअल दिखा रहे हैं जम्मू के कालूचक से ये विजुअल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि तीन दिन पहले ज़मीन के विवाद को लेकर दो गुटों में आपको बता दें कि झगड़ा देखने को मिला था, ग्रेटर कैलाश का वाकया था। उनमें से आपको बता दें कि जो एक व्यक्ति है जो उसमें से गुजर चुका है और उनके परिवार वाले और स्थानीय लोग जो है इस समय सड़कों पर निकले हैं। मरदे दम तक मेरे नाल गल करदा गया, कहिंदा पुत्तर मैं कहिंदा कख नहीं होया, मैनू सट लगी है, परवाह नहीं, तेनू आउण दी लोड़ नहीं, मैं तेनू ठीक ठाक मिलांगा। इन्होंने धोखा कर लिया, फिर क्या होया, शेर कुत्तियां कोलों नहीं मरदा, इन्हें कट्ठे हो गया मरवाया धोखे नाल। ठीक है, तू तू कहली रोनी, तेरे चींदे या खड़े ना त्रै ना, तेनू पिछा कितने दो तेरे पुट्टे आ रहे ना, दो दिन के अंदर इतने पहुंच रहे, तीजा भी आ रहा है, घबरा ना तू। ठीक है, घबरा ना, जान वाला टुर गया, उसकी चाई नू वेस्ट ना कर, रो ना, मत रो तू इतना। ए ओ सरकार है, जिन्हें तेरा पुत्र मरवाया, तेरे रोने से कख नहीं होना सरकार नू। हाथ चुप फड़ोए रहे ना, पूछ इन्हां नूं संभलियो, ऐ जिहड़ी जज है ओह रिस्पोंसिबल है, जिन्हें सारी पॉजिटिव चीज़ों नूं छड़ के जिहड़ा है अपोजिट पार्टी का साथ दिता सिर्फ एक नैगेटिव चीज़ लई। ठीक है, ये सारी रली में मिली भगत सरकार दी, सब कुछ कर दी। अहीं बाहरली कंट्रियां च रहिंदे आ, सवेरे काम करके 8 घंटे की शिफ्ट ला के आने ना, तो शाम नूं अखां मीट के सोचदा ये स्ट्रैस नहीं होंदा कि यार किसी गुआंढी ने मैनू तंग करना है, या मेरी प्रॉपर्टी ते कोई आ जाएगा, या मेरी गड्डी चोरी कर लेगा, कद नहीं। लेकिन इतने जम्मू के और एक खास जम्मू के हालात है कि जम्मू के बंदा जिदे को प्रॉपर्टी है वह सो नहीं सकता। साढ़े को प्रॉपर्टी नहीं है, प्लॉट्स ने, क्योंकि अं शहर मूव होए हैं, साड़ी जद्दी जमीन है मेरे दादे की, पिंड माने के त्रेवे के मेरे प्यो ने जमीन खरीदी है, जी अं पाने भी हैं, कद ठेके से भी देई दी है। मेरे प्यो न जमीन का शौक से, जमीनदार का पुत्र से, तो उन्हें अपने को इतने लै लिया। उस टाइम जमीन का मुल ही कुछ नहीं हाँ, तो अगले ने आन के अपना भी ला लिया, जो जिदे को भैन भरा सहरे को लगा लै गया भाई अपने लिए ला लिया, अज जमीन का मुल बन गया, जमीन खाली पईआं ने किसी की। मैं कहना अगर गवर्नमेंट का लॉ इन्ना मजबूत आवे, जमीन खाली रवे पई किसी की, कोई प्रॉपर्टी तुहाडा फोन पिया है इत्थे कितना कोई लै जाए चुके, नहीं ले जा सकता क्योंकि तुहाडा लॉ माड़ा है, तुहाडा लॉ माड़ा है। मैं पिछले दिसंबर का आया हुआ, दिसंबर का मेरी फैमिली, मैं ब्रदर लैके इतने आए हाँ कि अं पेपर वर्क करिए, क्योंकि हर बारी आएगा पेपर वर्क पूरा नहीं होता, मेरे फादर साहब शाह अनपढ़ बंदे ने, फौजी बंदा पेपर वर्क नहीं आता,
पेपर वर्क करने वास्ते ही एप्लीकेशन पा गए तो भरा लै गया कदम इधर खर्चा लवे तो कदम किधर आवे किधर हेल्प सपोर्ट नहीं मिले कसूर ते रेवेन्यू डिपार्टमेंट दा जेड़ी इक मैडम पहले बिल्कुल रेवेन्यू डिपार्टमेंट दा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे नाल पुलिस मिल गया करती है ठीक है पुलिस ने अगर उस टाइम पुनीत शर्मा ने देखा 2004 दी है रजिस्ट्री ओदा कम सी भाई 2004 दे मालिक ने ज्यादा तो मैं निशानदेही कराना क्यों नहीं करा रहा निशानदेही उल्टा पैसे खा रहा और इंसाफ जेड़ा ये पब्लिक का इंसाफ है इस साथी नाल जेड़ा कीता गया ये 302 दा जेड़ा पर्चा ये अगर पुलिस ऊपर जेड़े उधर मौजूद ही और जेड़े लोग तो बाहर आ गए उन्हें कत्ल कीता उन्हें नहीं लगाया गया नहीं उन्होंने अरेस्ट कीता गया अजय भी डिटेन किए गए इन लोग अजय जेड़ी सिटी दी साथी गल कर रहे ही अहीं बाजवा साहब ने जिस तरह कहा सीबीआई दी इंक्वायरी जेड़ी होनी चाहिए है ये ऐसी कंस्पिरेसी रची गई जिदे पुलिस उत्थे मौके ते मौजूद खड़ा हो गए और उन्हें कोई अगर ऐसा उन्दे कोल आर्डर आया सी ओह दोवें पार्टियां नूं पहले थाने च बुलांदे उन्हां नूं दोवां दे कागज दिखदे फिर जाके मौके दे उपर जाना ही उन्होंने उन्हें ऐसी कॉन्फ्रेंसी रची किते फोन उन्हां नूं आए कौन कौन बे शामिल होया इस नूं इहदा जिहड़ा इहनूं खत्म करने वास्ते कि अगर आइंदा ऐसा है ना और भी अगे इंसीडेंट बदलणगे और इहनूं अगर इंसाफ ना मिलिया तो जिस तरह साढ़े सारे साथी हुक्म करनगे साढ़े लीडरशिप करेगी असी उसनू शाना विशाना दे नाल चलांगे मैं मेरा गला ठीक नहीं बलविंदर और साथी चालू है सर अभी तक इन्वेस्टिगेशन सर क्या प्रॉब्लम है आप वो बताओ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जैसे आपने भी वो फेसबुक लाइव देखी है सीसीटीवी फुटेज वहां पर और ज्यादा ढूंढी जा रही है जो सीन ऑफ क्राइम था उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया गया है एफएसएल को अब वो सारी चीजें फॉरवर्ड की जाएंगी जो अरेस्ट से उन सब के नाम और उन सब का पता और उनका लेखा जोखा आपके पास है जो पीछे कॉन्स्पिरेसी में लोग इन्वॉल्व थे डायरेक्टली वहां नहीं थे लेकिन उनका हाथ फिर भी था हमारे बिल्कुल इस शख्स की डेथ में उनको भी रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर बुक किया गया है किया जा भी रहा है सर ये जो आप जो रेवेन्यू के जो सेक्शंस आप 302 307 323 447 147 सर क्या इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं हो सकती है नहीं होंगी बिल्कुल ये आश्वासन है कि होंगी जो सर बड़े नाम इसमें जो बड़े नाम इसमें आ रहे हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स के या पुराने जो डीप काम उनका नाम आ रहा है क्या उन पर भी शिकंजा किस ये आप देख सकते हैं इस समय डीवाईएसपी जो है मीडिया से बात करते हुए आप लोग जानते हैं जब हमारे पास ग्राउंड होता है हम क्वेश्चनिंग के लिए तभी किसी को बुला सकते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन अनहिंडर्ड चले हम लोग सहयोग की आशा भी करते हैं और हमें पूरी तरीके से परिवार जो मृतक हैं उनके परिवार से हमें सराहनीय सपोर्ट मिला भी सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं सारे जितने एलिगेशंस इस बारे में लगाए गए हैं कॉन्स्पिरेसी जितनी है उसको अनर्थ करने के लिए समय कार्तिक सर कितनी देर ये रिपोर्ट जो है जो एसआईटी बनाई गई है इसकी रिपोर्ट कितने टाइम मैनर में जो है वो मिल जाएगी मुझे जैसे ही मौका मिलेगा जल्दी से जल्द होगा मैं आपको नहीं कह सकता 78 दिन 79 दिन 70 दिन 20 दिन 1 दिन मैं आपको दिनों में नहीं बता सकता क्योंकि आप लोगों की तरह अभी मैं भी यहीं पर खड़ा हूं मुझे भी नहीं पता है कि ये कॉन्स्पिरेसी कितने पीछे सर पहले भी इस इलाके में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं फिर भी पुलिस ने उस टाइम जो है वो क्यों नहीं जब ये पुरानी घटना ग्रेटर कैलाश इलाका है या सैनी कॉलोनी चौवादी इसमें ऑलरेडी पहले भी इस तरह के केसेस बहुत सारे हो चुके हैं फिर भी अभी तक इतना ढील दी जा रही है यही एक जो ये ढील दी गई है उस वो इंक्वायरी का पार्ट है और जो ये पीछे की कॉन्स्पिरेसी है कि यहाँ पर एक जमीन को जो कहा जाता है कि कई बार बेचा गया है एलिगेशंस लगाए हैं वो भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इन दोनों चीजों को ढूंढने के लिए कागजों से गुजरने के लिए लोगों से पूछताछ करने के लिए समय लगता है। बार बेचना यानी कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स का सीधा सीधा हाथ होना उनके ऊपर भी किस तरह की कार्रवाई यही जितने एलिगेशंस हैं उन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो फिर जो रिक्विजिट कार्यवाही होगी वो होगी लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि मैं उन कागजों को खुद गुजर सकूं मेरे साथ जो टीम मेंबर हैं हम उन कागजों को देख सकें उन बंदों को क्वेश्चनिंग के लिए बुला सकें वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे वो बंदे भी बुलाए जाएंगे इसके पीछे जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है वो भी अनर्थ की